Namaste and hello everyone. Myself, Vaidya Dr. Jayesh Thakkar, I'm a practitioner of Ayurveda. Ayurveda, as we know, is the most ancient medical science. The term Ayurveda means the way of living. So in Ayurveda, it's not just the treatment. There is a very important part, preventive aspect. In our science, it is said, Swasthasya Swasthya Rakshanam Aturasya Vikara Prasmanam Cha. So the first principle is to take care of the health of the normal person to improve the immunity. And the second point is cure. Coming to immunity, Ayurveda have got many good references. Very firstly, Dinacharya, that is daily lifestyle. Any text of Ayurveda starts with Dinacharya. Dinacharya says how to start your day with, how you have to live your day with. There have been lots of reference of our diet and lifestyle in it. It is said that if we follow a proper diet and lifestyle, our immune system strengthens up and we rarely fall ill. For example, it is said we have to wake up early in the morning, practice nasya. Nasya is having drops in your nostrils. Jaise anu tel hai. Anu tel agar naak mein hum log dete hai, to usme regularly hum log ko dekha jata hai ki immune system badhta hai. अभी जैसे चारों तरफ ये सीजनल आउटब्रेक्स है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो रही है, तो उसमें अगर हम नाक में अनु तेल देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग की जो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में वेरी इंपॉर्टेंट है. इन्फेक्शियस डिजीज़ ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, ये पहले भी होते हुए हैं. आयुर्वेद में जनपद धमस्य बोल के भी एक रेफरेंस आता है. जब चारों तरफ इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड होती है और अलग अलग तरह के प्रोटेक्शंस हम लोग को लेने पड़ते हैं, तो आयुर्वेद में जब हम लोग इम्यूनिटी की बात करेंगे तो पहले तो अपने को डाइट और लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, अनु तेल का नस्य लेना है, डेली हैबिट्स में खाने में अच्छे जो फूड्स हैं जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम बूस्ट अप होते हैं वैसे अपने को इंक्लूड करना है. मेडिसिन और हर्ब्स में भी बहुत सारी अपने पास ऑप्शंस हैं. वो गिलोय से आप शुरू करो, त्रिकटू लीजिए, आप नॉर्मल बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप घर में भी कर सकते हैं खुद. जैसे हम लोग काढ़ा बनाते हैं, कावो जो है कॉमन, आप तुलसी फुदीने के पत्ते इसको आप उबाल लीजिए, उसमें गोलमरीच त्रिकटू हम लोग कहते हैं, सौंठ पीपल मरीच, इसका कॉम्बिनेशन आप चुटकी भर डालिए, अदरक क्रश करके, हल्दी क्रश करके, थोड़ा सा सेंधा नमक इसको उबाल लीजिए, उसके बाद आप जो है थोड़ा इसमें नींबू का रस दे के आप ले सकते हैं. ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है और ये ऐसा नहीं कि अभी है, ये रेगुलरली आप कश्मीर में गुजरात में ये काओ का लेने का ट्रेडिशन है. सीजनल आउटब्रेक्स में हम लोग के यहाँ जैसे अभी मकर संक्रांत गया तो मकर संक्रांति में भी ये तिल जो लेने का होता है, गुड़ का, ये सब परंपरा है. ये वसंत ऋतु के बाद ये जो चेंजिंग ऑफ सीजन है, ऋतु संधि का समय है, इसमें हमेशा सीजनल आउटब्रेक्स होते हैं. नए रोग समय से आते हैं बट इसका जो आप निदान करते हैं हम लोग वायु पित्त कफ से, तो उसको हम लोग आयुर्वेदिक निदान से भी देखते हैं. अभी जो ये रोग चल रहा है इससे हम लोग का वायु और पित्त का जो इफेक्ट हो रहा है उससे अपना प्राणवाह स्रोत के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं हम लोग ना कि प्रिवेंटिव केयर, क्यूरेटिव केयर में भी आयुर्वेद को यूटिलाइज कर सकते हैं. आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वो लक्ष्मी विलास रस हो, आपकी गिलोय घनवटी हो, अगस्त रसायन हो, इंदुकांतम कषायम हो, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम लोग अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं. हम लोग इसको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में भी ला सकते हैं, सिर्फ प्रिवेंटिव में नहीं. हमें ये कोशिश करनी चाहिए पेशेंट्स को किस तरह से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, उनको फिर से दिनचर्या और ये खाने में क्या अच्छा है. आज जैसे हम लोग बताते हैं विटामिन सी रिच, तो अपने आंवला में भी वही है. सालों से हम लोग जानते हैं च्यवनप्राश लेने से बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने सिस्टम में कुछ चेंज ला चुके हैं वक्त के साथ. जो गलत चेंजेस लाए उसको फिर से सही करना पड़ेगा ताकि हम लोग की इम्यून सिस्टम फाइट बैक करे. हम लोग वायरस का सोच रहे, क्यों ना हम लोग होस्ट का सोचें. अगर होस्ट स्ट्रांग रहेगा तो बीमारियां नहीं आएगी.